नमस्कार दोस्तों, एजेंट एयरटेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप डिलीवरी कूरियर से कोई कूरियर भेजते हैं तो उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए अगर आपने डिलीवरी कूरियर से भेजा है तो। उसके लिए आपको www.delivery.com आपको गूगल ब्राउजर पर आपको लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे इस तरह का आपका एक पेज ओपन होगा और वहाँ पर देखिए अपने पैकेट को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल नंबर से भी अपने इसको ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसमें एक OTP आएगा, OTP डालते ही आप उसको आपका पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं अगर आपका कोई पैकेट आ रहा है। और ट्रैकिंग आईडी भी से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जहाँ से बुक कराते हैं तो वहाँ पे एक आपको पर्ची देगा, तो उसमें पर्ची में एक ट्रैकिंग आईडी लिखी रहती है, तो ट्रैकिंग आईडी से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्या, ऑर्डर आईडी और रेफरेंस आईडी, ये ऑनलाइन के लिए होता है। अगर आप जैसे कि ऑनलाइन किसी से सामान मंगाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या एक्सेट्रा जिससे भी मंगाते हैं, तो वहाँ से आपको रेफरेंस आईडी मिलता है और आईडी मिलता है, तो ऑर्डर आईडी आप डाल के भी यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। और LTL शिपमेंट होता है, ये थोड़े पार्सल के कैटेगरी में आते हैं, जब बड़े बड़े शिपमेंट होते हैं तो वहाँ पे भी LTD शिपमेंट होता है, वहाँ से भी आप करके इसको ट्रैक कर सकते हैं। और गो ट्रैक पे भी कर सकते हैं, जैसे आप ट्रैक करेंगे आपकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और भी वीडियो देखने, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक। नमस्कार।